आज तुम ये गणित क्लास को स्वागत। आज पाने आम तुम से मानसांग बहर विविध प्रश्न तीन कौन कर एक नंबर कोड़े नंबर जाए पूर्व क्लास पढ़ी आक आलोचना ठीक भूल जाणी प्रश्न गुड़ी भल भाव पढ़ी आज आम ताते ना एक नंबर ठार् तीस नंबर जाए आज कौन करवा आलोचना करवा तुम्हें किसी बुझे मुझमान कि बुझे तुम मानु कि शुणी तुम्हें मोठू कि शुण है ठीक अच्छे एमें कौन करवा आरंभ करवा आरंभ करने पूर्व आग कौन करवा प्रश्नटी को भल भाव पढ़वा है देख कहला आलु कि ग्राम कोड़े टंका कि ग्राम मान कौन किलोग्राम आलु गोटे किलो को कोड़े टंका तुम्हें सात किलो का आलु आनिल केते आलु किनिल सात किलो आलु किनिल किणी सारापर कौन कल ना दोकानी को गोटे देल तेब दोकानी तुमको केते टंका फेरेइबो एया होछि हमर प्रश्न आम केमती लेखिबा आस ये केते नंबर पिला माने 21 नंबर ठीक अच्छे आग लेखिबा आलु कि ग्रा प्रति बा एक किलो को केते टंका 20 टंका ओके तुम्हें केते किलो आलु किणिल सात कि ग्रा आलु किणिल तले केते टंका देबा को पड़िबो 20 गुणन 7 शून शून रहिला 2 सत्ता पहले केते हला 140 टंका तुम्हें दुकानी केते टंका देल ना दुई खंड 100 टंकिया देल दुई खंड 100 टंकिया पहले दुई खंड 100 टंकिया माने केते कौन 100 गुणन 2 200 टंका देल तले दुकान तुम केते टंका फेरेइबो अते दोकानी फेराइबो दोकानी फेराइबो समान 200 फेराण 140 शून 10 रो 4 गला 6 चेक 1 गला 7 केते टंका फेराइबो 60 टंका फेराइबो बुझेला। अच्छा नेक्स्ट आमे ता पर प्रश्न को जीवा 22 नंबर रमा ओ मालती दुई जनकर बयस मिसिकी 30 वर्ष दुई वर्ष पूर्वे से मानकर बयस मिसी केते थिला पिले पर माने आमे कोन करथिले मिसौथिले पूर्वे माने कोन करिबा फेडिबा केमिति फेडिबा केते फेडिबा हमर केते वर्ष कहिछि दुई वर्ष कहार ना रमार दुई वर्ष पूर्वरु आ मालतीर दुई वर्ष पूर्वरु तबे यार दुई वर्ष यार दुई वर्ष तबे दुई दुई केते हला 4 वर्ष केते फेड़ीबा ना 30 रु 4 आम फेड़दबा 30 रु 4 गला पिला माने केते 26 वर्ष तेबे अतेबे आम उत्तर जानले जे कौन रमा ओ माली मालतीर दुई वर्ष पूर्वे तांकर केते वर्ष थिला 26 वर्ष थिला ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा 23 नंबर कला तपनर टंका सदाशिव टंकार 4 गुण पे मैंने देख प्रथम थी आम कौन बुझे तपनर किसी टंका अच्छी सदाशिव पाखे कि टंका अच्छी तपन पाखे केते टंका अच्छी ताम जाणिने कि सदाशिव पाखे केते टंका अच्छी ताणिने कि से कथा कहूँ जे द्वितीय प्रश्न कहूँ देख प्रथम धाड़ी आमको गोलिया करदे नहीं द्वितीय धाड़ी देख कौन दे सदाशिवर टंका हूँ 20 टंका तेब उभयंग टा मिसी के पाईगले जनक पैसा पाईगले पाईगले मैंने आज जनकर पाइबानी ना देख देखो सदाशिव टकर आम 4 गुणवा तो तपन टा पाइबा या प्रथम धाड़ी लिखी था लिखिद आम के नंबर 23 नंबर से कह तपनर टा आम केमी पाइबा ना सदाशिव टा शिव टंकार 4 गुण अर्थात सदाशिव टंकार
आमे कौन करिबा टंका गुणन चारि आमे जदि सदाशिवर टंकारे चारि गुणी दबा तले आमे कहार टंका पाइबा तपनर टंका पाइबा। द्वितीय प्रश्न कौन देला ना सदाशिवर टंका होची केते टंका 20 टंका तबे आमे तपन टंका पाई परिबा ना पाई परिबानी अते तपन टंका केते हला तपनर टंका केते ना 20 गुणन 4 4 गुणे 8 तले तपन पाखरे केते टंका अछि 80 टंका। तबे नेक्स्ट प्रश्न कहूची कोन तले उभयंग टंका मिसि केते अते मोट टंका 80 मिसाण 20 अते तले दुई जण का पाखरे मोट केते टंका अछि 100 टंका अछि बुझि हला। तबे हम तापर प्रश्न को जिबा तापर प्रश्न होछि 24 नंबर कला जणे दोकानी खंडिए गामुछा को 65 टंका रे बिकी बारु तार किणी थिबा दाम थारु 15 टंका अधिक हला तबे से गामुछाटी रो कीना मूल्य केते देखो प्रत्येक दोकानी आमे जत्ते दोकान पिला माने देखुचे समस्ते कौन करती जिनस किणी करि आनंती तापर आम मानन कोन करती बिक्री करती केमती बिक्री करती जेतिक टंका रे किणी के आनी थांती ताठु किछि टंका अधिक करि हमको बिकी थांती कारण न बिकिले तांका दोकान लाभ कोन होबो दोकान से कोन पई दै छंती किछि लाभ करबा पई दै छंती। तो आम ये कौन बुझे से गोटे गामुछा दोकानी कौन कर 65 टंका रे बिकिला से बिकिला केते टंका रे 65 टंका रे बिकिबारु तर जति टंका से किनी थिला ताटु 15 टंका अधिक हला पिला माने एठे मने रख एठे किना दाम आ बिक्री दाम दीटा जिनस हमको कहूँ तो आम कौन करवा से केते टंका रे किनी थिला ताहा आमे जानी नाही किंतु से केते टंका रे बिकी थिला ताहा आमे जानिछे से केते टंका रे बिकिछि ना 65 टंका रे बिकिछि आमे लेखि देबा आगो देखिले बुझिबा 24 नंबर जाने दोकानी गामुछाटी को 65 टंका रे बिकिला कौन कला से बिकिला हला से 65 टंका रे बिकिबारु कोन हेछि से जेति टंका रे किनी थिला ता थारु 15 टंका अधिक हला माने से एटी 15 टंका अधिक पाइछि माने 15 टंका से लाभ कर देछि तले किनी थिला केते टंका रे किनी थिला माने 65 फेडान 15 ता माने ए 15 टा 65 रे मिसि करि अछि मिसान विपरीत फेडान तले 5 रे 5 गला 0 6 रे 1 गला ता माने एथि आमे कोन जानिले दोकानी 50 टंका रे कोन करथिला गामुछाटी को किनी थिला 15 टंका लाभ करके से बिकिला बिकिबार तार 65 टंका हला बुझिला तबे आमे अतेब लिखि देबा अतेब सेही गामुछाटी रो 50 टंका बुझिला। अच्छा थैंक यू। नेक्स्ट पर प्रश्न को जीवा 25 नंबर हला कुनी रो जन्मदिन रे 10 जण सांग के जण पिला सांग आस्तिले 10 जण आस्तिले जणे का तीनटा लेखा मिठा खाइले जण को तीनटा लेखा मिठा खाइले 10 जण पिला केते खाइले 10 3 की 30 टा मिठा खाइले नै तांको मा का मा कुनी रो मा 65 टी मिठा तयारी करथिले तेबे आउ केतटा मिठा बड़ी पड़ा देख आम पे मुहरे मुहरे आम उत्तर कहीदे ना 10 जन पिला आसते जड़े तीन टा लेखा मिठा खाइला 10 3 की 30 मिठा खाइले टोटाल से 30 मिठा खाइले घरे 65 मिठा होता 65 30 पिला माने गला खाईगला खाईदेला नहीं गला नष्ट भांगीगला ये सब थी आम कौन करूँ फेड़ूले 65 आम 30 कौन करवा फेड़दबा फेड़दे आम उत्तर पाईगला ना ठीक अच्छे थैंक यू। आम ए नेक्स्ट प्रश्न को जीवा कहला आभा और शोभा दुहे दी भौणी बोधे है ना किसी कोली तोली की आनिले
କୋଳି ଯେଉଁ ଖାଇଥିବ, କୋଳି ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ତୋଳିକି ଆଣିଲେ। ଆଣିକି କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଗଦା କରିକି ରଖିଲେ। ରଖିସାରିଲା ପରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ଗୋଟିଏ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ 10 ଲେଖାଏଁ ଭରି କଲେ। କେତେଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ କଲେ ନା, 5 ପ୍ୟାକେଟ୍ କଲେ। ପିଲା ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ 10 ହେଲେ 5 ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ କେତେ ହେବ, 10×5 50 କୋଳି ରଖିଲେ। ରଖିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଆହୁରି 7 କୋଳି ବଳି ପଡ଼ିଲା, ବାହାରେ ଆହୁରି 7 କୋଳି ପଡ଼ିଲା। ତେବେ ଦୁହେଁ ମୋଟରେ କେତୋଟି କୋଳି ତୋଳିଥିଲେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ। ଦେଖ, ଆମେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ଅଧା କହିସାରିଲେଣି। କେମିତି କହିଲେ, ଯେ ସେମାନେ କୋଳି ତ ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି, କେତେଟା କୋଳି ଏକାଠି କରିଛନ୍ତି ତାହା ସେମାନେ ଗଣିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ସେମାନେ 10 ଲେଖା କୋଳି ରଖିଲେ। ପ୍ୟାକେଟ୍ ମାନେ ମୁଣେ, ଗୋଟେ ମୁଣିରେ ସେମାନେ 10 ରଖିଲେ। ତାହେଲେ କେତେଟା ମୁଣି କଲେ ନା, 5 ମୁଣି କଲେ। ଗୋଟେ ମୁଣିରେ 10 ହେଲେ 5 ମୁଣିରେ 10×5 50। ତାହେଲେ 50 କୋଳି ରଖିଦେଲେ। ରଖିସାରିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତଳେ ଆହୁରି କେତେଟା ଅଛି, 7 ଅଛି। ତେବେ କେତେଟା ହେଲା, 10×5 50 ମିଶାଣ 7, 50×7 ମିଶିଲା କେତେ ହେଲା, 57। ଅତେ ସେମାନେ 5×7 57 କୋଳି ତୋଳିକରି ଆଣିଥିଲେ। ସେଥିରେ ସେ 10 ଲେଖାଏଁ 5 ପ୍ୟାକେଟ୍ କଲେ, ଆଉ 7 ବଳି ପଡ଼ିଲା। ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଲେଖିବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଧାରା ଧାରା ଧାରାରେ ଲେଖିବ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। 27 ହେଉଛି, 3 ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ ହେଉଛି 125। ପ୍ରଥମଟି 2 ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା, ଦ୍ୱିତୀୟଟି 1 ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଓ ତୃତୀୟ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ, ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖିଦେଉଛି। 27 ସେ କହୁଛି, ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟା ମିଶିଲେ କେତେ ହେଉଛି ନା, 125। ତିନି ଯାକ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଜାଣିନାହିଁ, କେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିନେ। ତା ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ କହୁଛି, ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି 2 ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସଂଖ୍ୟା। ଏ ପ୍ରଥମଟା କ'ଣ, ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି 2 ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା, ଅନେଶ୍ୱତର ପରବର୍ତ୍ତୀ। ପିଲାପିଲି ପରବର୍ତ୍ତୀରେ ଆମେ 1 ମିଶାଉ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ସଂଖ୍ୟାଟି ହେଉଛି 100। ଦ୍ୱିତୀୟଟି କେତେ ନା, 1 ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା, 1 ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୃତୀୟଟି କେତେ, ଏ ତୃତୀୟଟି ଆମକୁ କ'ଣ କରିଛି, ପ୍ରଶ୍ନରେ ପଚାରିଛି। ଆମେ କେମିତି ବାହାର କରିବା, ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା, ଏ ଯେଉଁଟା ଜାଣିଛେ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କରିବା, ମିଶାଇଦେବା। ହେଲେ 100 ମିଶିଲା କେତେ, 100 ମିଶାଣ 9 ଜାଣିଛେ କେତେ, 125 ଫେଡ଼ାଣ 100 ଫେଡ଼ିଦିଅ, ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଉତ୍ତର ପାଇଯିବ। ଫେଡ଼ାଣ ତୁମ ପାଇଁ ରହିଲା, ତୁମେମାନେ ତାକୁ ଫେଡ଼ିକରି ଲେଖିବ। ବୁଝିହେଲା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 28 କହିଲା, କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା ହେଉଛି 24 ହେଲେ 1 କ୍ଷୀରର ଦାମ ହେଉଛି 24। ଜଣେ କ୍ଷୀରବାଲା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ତୁମ ଘରେ ସବୁଦିନ 2 ଲେଖା କ୍ଷୀର ଦେଲା, ସେ କ୍ଷୀରବାବା ତୁ କେତେ ଟଙ୍କା ନେବ। ଏବେ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରକୁ ଯିବା, ହେଲା। କହିଲା, କ୍ଷୀର ଲିଟର ପିଛା ହେଉଛି 24 କ୍ଷୀର ଲିଟରକୁ 24 ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କହିଲା, ଜଣେ କ୍ଷୀରବାଲା ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ତୁମ ଘରେ ସବୁଦିନ 2 ଲେଖା ଦିଏ, କେତେ ଲେଖା, 2 ଲେଖା। ହେଲେ ଦିନକୁ ଯଦି ତୁମର କ'ଣ ହୁଏ, 2 ଲିଟରକୁ ହେଉଛି 24 ତା 2 କେତେ ଟଙ୍କା, ଲିଟରକୁ ହେଉଛି 24 ତା 2 କେତେ ଟଙ୍କା, 24×2 2×8 2×4। ତା ମାନେ ଦୋକାନୀ ଯେଉଁ କ୍ଷୀରବାଲାଟି ତୁମ ଘରେ ଦିନକୁ 48 କ୍ଷୀର ଦେଇକରି ଯାଏ, ହେଲା, ସେ କେତେ ଦିନ ଦେଇଛି ନା, ଏପ୍ରିଲ ମାସ ସାରା ଦେଇଛି। ପୁରା ଏପ୍ରିଲ ମାସ କେତେ ଦିନିଆ, କିଏ କହିବ ହାତ ଟେକ, ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଙ୍ଗୁଠି କରିକି ଦେଖାଇଥିଲି, ଆଙ୍ଗୁଠି ହିସାବ କରିକି କୁହ, ଜାନୁଆରୀ ଫେବୃଆରୀ
मार्च एप्रिल पे एप्रिलटा कौटी पड़ू गात पड़ू ता मैंने एप्रिल मसटी हूँ तीस दिनिया कत दिनिया तीस दिनिया से दिन को कौन कौन क्षीरवाला क्षीरवाला दिन को बा एक दिन के एक दिन में तुम घरे कौन कर एक दिन बा गोटे दिन बा दिन को लेख दिन को 48 टंका रो खीर दिए टंका रो खीर दिए तला में कौन बोले खीर वाला दिन को 48 टंका रो खीर तुम घरे दिए तले केते दिन देला 30 दिन रे दे थिबो 30 दिन रे मोट टंका तार केते हबो है ना 48 गुणन 30 तो मानु गुणन आसे मुझे गुणन लिखिदे देख केमती गुणन करा जाए प्रथम आम शून को गुणवा शून अष्टा शून शून चौ शून तीन अष्टा चबीस पे तीन टी कौ घरे अच्छी दशक घरे अच्छी तेना आम दशक घर तल संख्या तले लिखा तीन अष्टा चबीस चार रखी नेला दुई तीन चौ बार बार दुई मिसई दि तेर चौद के टा दब एक चार चार शून ता मैंने सीए मोट तीस दिन में अते क्षीरवाला तीस दिन में मोट शहे एक हजार चार शौ चालीस टाँचा कौन कर क्षीर बाबा तो पैसा नब बुझेगा ना आउ थे बुझेदेवी आउ थे बुझे दे शुण क्षीर लिटर को हूँ 24 टंका बुझीपाले आम प्रथम धाड़ी दोकानी बा क्षीरवाला कौन करे तुम घरे सबुदिन दुई लिटर लेखा क्षीर दिए लिटर को 24 टंका हेले दुई लिटर को हूँ 48 टंका ता मैंने आम बुझे जे क्षीरवाला आम घरे सबुदिन दुई लिटर बाबद 48 टंका क्षीर देकर जाए दिन को जदि सी आमको 48 टंका क्षीर दौर एप्रिल मस हो 30 दिन 30 दिन क्षीर देव के 30 गुणन 48 पाइले उत्तर ओके नेक्स्ट प्रश्न को जी जड़े गौड़ लिटर 20 टंका दर रे 10 लिटर क्षीर किणला पे प्रश्न टी भल भाव शुणब भल भाव बुझ के 20 टंका हिसाब रे 10 लिटर क्षीर किणला ओके किणी सारापर कौन कला ना से 2 लिटर पानी मिसईदेला 10 लिटर क्षीर किनी 2 लिटर मिसईदेला के 12 लिटर क्षीर हो गला नुहे अच्छा से पानी मिसा क्षीर को से कौन कला 24 टंका दर रे एक चा दुकान की बिकिदेला तेले गौड़ केते टंका किनी थिबा दाम ठारु केते टंका अधिक पाइला एया प्रश्न ना तो आमे केमती लेखिबा जिबा आमे प्रश्न को कौन कहिला ना गौड़ केते क्षीर किनी थिला 10 लिटर क्षीर किनी थिला गौड़ 10 लिटर क्षीर किनी थिला किनिला ठीक अच्छे 10 लिटर जो क्षीर किनिला लिटर केते टंका 1 लिटर क्षीर रो दाम ना 20 टंका जदि लिटर 20 टंका हुए तबे 10 लिटर केते हबो मोट दाम केते हबो 20 गुणन 10 200 टंका ता माने कोन बुझिले से 200 टंका रो खीर किनी थिला 200 टंका रो कोन करची खीर किनी छी आउ थे बुझ पिला गौड़ 1 लिटर र दाम के 20 टंका हिसाब से 10 लिटर क्षीर किणला माने से 200 टंकार क्षीर किणी से कौन कला 2 लिटर पानी मिसाइला पानी कौन कला मिसाइला कौन कला मिसाइला तेल के 10 लिटर
मिशाण 2 लिटर केते लिटर हैला 12 लिटर बुझीला पिला माने बुझिल से 10 लिटर क्षीर किणीला हे ते 2 लिटर पानी मिसाई दे तरे केते हेगला 12 लिटर हेगला तापर कौन कही से पानी मिसा क्षीर को 24 टंका दर रे बिकिला तले से कौन कला ना 1 लिटर पानी मिसा क्षीर को 24 टंका हिसाब रे कौन कला बिकिला देख पिला माने मन दे सुन लिटर को 24 टंका से कौन कला बिकिला केते लिटर क्षीर बिकिला से पानी मिसा क्षीर पानी मिसा क्षीर केते से बिकिची 10 12 लिटर 12 लिटर दाम केते 12 लिटर पानी मिसा क्षीर रो दाम पानी मिसा क्षीर रो दाम केते हबो ना 24 × 12 गुणि दियो आसी गुणन एने तुमको शिखेली आउ थे देखीदि 2 × 4 = 8 2 × 2 = 4 1 × 4 = 4 1 × 2 = 2 8 × 4 = 8 2 ताले से केते टंका पाइला 288 टंका पिले से क्षीर किणी थिला केते टंका रे 200 टंका रे बिकिला केते टंका रे 288 टंका रे ते से अधिक लाभ पाइछे ना क्षति पाइछे लाभ पाइछे केते क्षति लाभ पाइछे ना केते टंका से अधिक पाइला अधिक पाइला केते ना 288 फेडाण 200 समाने 88 टंका अतेव गौड़ 88 टंका किणा दाम ठारु अधिक पाइला ठीक अच्छे तब आम शेष प्रश्नटी पढ़ा 30 नंबर ना मोनाली दैनिक 5 टंका लेखाए ओ सोनाली दैनिक 7 टंका लेखाए संचय करती जून मास शेष दुहे मोट केते टंका संचय करिवे बोले बहुत सहज प्रश्न तुम्हें बहुत सहजरे मध्य करि परिबो देख जून मास रे हम केते दिनिया हिसाब कर दियो जनवरी फेब्रुवारी मार्च अप्रैल मे जून बोले जूनटा कौटी पड़ू गातरे पड़ू गातरे पड़ी मैंने 30 दिन तेज़े सी कौन है मोनाली केते टंका पाइब लिखिदि मोनाली केते टंका पाइब 30 × दिन को 5 टंका लेखा है 30 दिन में केते हम 5 × 3 = 1500 150 टंका सोनाली से परी 30 दिन संचय करी केते टंका लेखा 7 टंका लेखा 0 × 7 = 21 210 टंका ये 15 टंका संचय करी ये 210 टंका संचय करी दुहे मोट केते कले 0 × 5 = 6 × 2 = 3 अते जून मास शेष दुहे मोट 360 टंका संचय करें पिला माने एठी आमर बहीटी कौन है सरीगला आमर मानसांग बही सरीगला आम प्रत्येक प्रश्न पढ़िले ताको आलोचना कले आ बुझिले मु आशा करुची तुम्हें माने सब प्रश्न गुड़ी को भल भाव बुझिथिबो आ ताको खातारे लेखिथिबो रहिली धन्यवाद।